आज हम जानेंगे प्रीमियर प्रो में एक इफेक्ट के बारे में जिससे हम अपने वीडियो के किसी फुटेज या क्लिप को एक अट्रैक्टिव और यूनिक लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक क्लिप को टाइमलाइन में डालना है और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर बनाना है। एडजस्टमेंट लेयर बनाने से हमें थोड़े कंट्रोल के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं इफेक्ट्स के लिए। खास हिस्से पे हमें इफेक्ट अप्लाई करना है या फिर पूरे हिस्से पे, तो उसको हम मैनुअली एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं और इसको इसके टॉप पे रखते हैं। अब एडजस्टमेंट लेयर बनाने के बाद में हमें इफेक्ट्स पैनल को ओपन करना है और यहाँ पे जो इफेक्ट्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे ये जो वीडियो इफेक्ट्स के अंडर में जाके कलर करेक्शन फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे ये जो लीव कलर का इफेक्ट है इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। और यहाँ पे ये जो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल है इसमें इससे संबंधित ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे कलर टू लीव के सामने एक आई ड्रॉपर बना हुआ है, इसको हमें पिक करना है और यहाँ पे जो भी कलर हमें इस वीडियो में रखना है उसको सेलेक्ट कर लेना है और बाकी जो सारा कलर है वो इस वीडियो से हट जाएगा। और कलर पिक करने के बाद में हमें ये अमाउंट टू टी कलर है इसको 100% पे सेट कर देना है। और यहाँ पे ये जो मैच कलर्स है इसमें हमें आरजीबी वैल्यू नहीं रखना है, आरजीबी वैल्यू की बजाय हमें यहाँ पे सेट करना है ह्यू। और ह्यू सेट करने के बाद में भी एडजस्टमेंट ठीक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एज सॉफ्टनेस की वैल्यू को थोड़ा हम इंक्रीज करेंगे तो इस प्रकार से ये दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पे टॉलरेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फ्लावर है इसके अलावा बाकी का सारा एरिया ब्लैक एंड वाइट दिखाई देने लग जाएगा। हम एक एडजस्टमेंट लेयर और बनाते हैं और इस एडजस्टमेंट लेयर पे भी हम सेम फिल्टर अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे ये जो कलर पिकर है इससे हम ग्रीन कलर को पिक करते हैं और यहाँ पे यूजिंग ह्यू सेट करते हैं और अमाउंट टू डी कलर को 100% कर देते हैं। यहाँ पे परफेक्ट लुक नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमें एज की सॉफ्टनेस को थोड़ा इस प्रकार से बढ़ाना है। और यहाँ पे ये जो फ्लावर के नीचे का थोड़ा हिस्सा येलो दिखाई दे रहा है इसको हम टॉलरेंस वैल्यू से थोड़ा इस प्रकार से कम कर सकते हैं तो यहाँ पे ये इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस इफेक्ट की सहायता से अपने वीडियो को एक यूनिक लुक दे सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो इसमें हम ये वाली वीडियो क्लिप लेते हैं और यहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो सेम प्रोसेस के लिए हम ये जो एडजस्टमेंट लेयर बना हुआ है इसको एल्ट बटन प्रेस करके अगर ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कलर पिकर में हम इस ब्लू कलर को सेट करते हैं, यूजिंग ह्यू ऑप्शन रहने देते हैं। और अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम टॉलरेंस और एज सॉफ्टनेस को सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। एड बटन प्रेस करके एक कॉपी और बनाते हैं। और इसमें हम कलर पिकर से रेड कलर को पिक करते हैं तो ये इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। इसमें ब्लू कलर जो अपोजिट है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस फिल्टर की सहायता से अपने वीडियो फुटेज में एक स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।